बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों आपके लिए लेके आया हूँ ये गाजी 65 HP पावर स्टीयरिंग ट्रैक्टर फॉर सेल। दोस्तों मॉडल है जी 2017, नंबर इसको लगा हुआ है जी पाक पतन का। फ्रंट से दोस्तों इसकी लुक चेक कर ले, बम्पर लगा हुआ है, सामान इसके साथ सारा लगा हुआ है, छत बम्पर हिच सारा सामान लगा हुआ है, नंबर कंप्यूटराइज प्लेटें साथ हैं जी, पाक पतन का नंबर लगा हुआ है, 2017 मॉडल है। टायरों की कंडीशन आप देख लें, ये आगे वाले टायर और रिम बिल्कुल बेदाग हैं। इसके बाद ये आप इसकी लुक चेक कर लें, रंग वगैरह चेक कर लें जी, बेहतरीन जेन्युइन रंग पड़ा है इसका। इसी तरह दोस्तों इंजन की सूरत हाल भी आपको दिखा देता हूँ। ये दूसरी साइड वाला टायर देख लें, रिम चेक कर लें बिल्कुल बेदाग साफ़ सुथरा रिम। जनरेटर चेक कर लें, सेल्फ स्टार्ट ट्रैक्टर है, अनखुला ट्रैक्टर है, अभी चाबी तक नहीं लगी। बाकी कंडीशन आपके सामने ही है जी, इंजन वगैरह की सूरत हाल देख लें, गियर बक्सा लीवर वगैरह स्टीयरिंग ड्राइवर सीट छत वगैरह चेक कर लें जी, मरगार्ड बेहतरीन पड़े हैं। पीछे वाले टायर जो हैं इनका अंदाज़ा दोस्तों आप खुद ही लगा लीजिए कि ये कितने पॉइंट होंगे। रिम जो है इसके बिल्कुल बेदाग है, ज़बरदस्त ट्रैक्टर पड़ा है जी। पीछे से भी इसकी आपको लुक चेक करवा दें तो देख लें, हिच वगैरह लगी हुई है, छत हिच बम्पर सामान सारा इसके साथ लगा हुआ। बाकी ये टूपें वगैरह चेक कर लें जी, या दूसरी साइड वाली ट्यूब देख लें। इसी तरह दोस्तों ये दूसरी साइड वाला टायर देख लें जी, टायर थोड़े कम हैं, बाकी ट्रैक्टर की कंडीशन बेहतरीन पड़ी है। रिम चेक कर लें जी, बिल्कुल बेदाग साफ सुथरे रिम है। अच्छा इस साइड से दोस्तों सलफ देख लें जी, डीजल पम्प चेक कर लें, लिफ्टी पम्प, उसके बाद स्टेयरिंग पम्प देख लें, फिल्टर वगैरह। सेल्फ स्टार्ट ट्रैक्टर है जी, मॉडल है 2017, नंबर इसको पाक पतन का लगा हुआ है। डिमांड की बात करें तो मालक इसकी डिमांड कर रहे हैं जी 9.25 लाख रुपया, 9,25,000 रुपया इसकी डिमांड कर रहे हैं। मौके पे कमी पेशी हो जाएगी, बहावल नगर की लोकेशन में ये ट्रैक्टर खड़ा है। कोई दोस्त भाई ख़रीदना चाहे वो रब्ता कर सकता है, रब्ता नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से रब्ता करके आप ये ट्रैक्टर ख़रीद सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।